लिए फर्जी एनओसी जारी करने के मामले में जयपुर पुलिस कमिश्नरेट द्वारा गठित एसआईटी ने कोर्ट में 12 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दायर कर दी है और इसी पर देखिए यह रिपोर्ट। ऑर्गन ट्रांसप्लांट का खेल, चार्जशीट पेश। ट्रांसप्लांट का गोरख धंधा, आरोपियों पर शिकंजा। ऑर्गन ट्रांसप्लांट का जाल, 13 गिरफ्तार। जिंदगी के खेल में कई डॉक्टरों का मेल। जयपुर से ढाका तक किडनी रैकेट के तार। फर्जी एनओसी देकर ऑर्गन ट्रांसप्लांट के मामले में एसआईटी ने अपनी जांच पूरी कर ली है, जिसके बाद एसआईटी ने करीब 4000 पन्नों की एक चार्जशीट कल कोर्ट में दाखिल की है, जिसमें 12 आरोपियों के नाम भी लिखे गए हैं। उसके अलावा 11 ऐसे आरोपी जो कि ऑर्गन ट्रांसप्लांट के मामले में आरोपी बताए गए हैं, उनके खिलाफ जांच को पेंडिंग रखा गया है। इस आरोप पत्र में फोर्टिस हॉस्पिटल के डॉक्टर जितेंद्र गोस्वामी और डॉक्टर संदीप गुप्ता सहित एसएमएस अस्पताल में ऑर्गन ट्रांसप्लांट विभाग के सहायक प्रशासनिक अधिकारी गौरव सिंह और फोर्टिस हॉस्पिटल के कोऑर्डिनेटर विनोद सिंह सहित गिरिराज शर्मा, सुमन जाना, सुखमय नंदी उर्फ गोपाल, भानु लववंशी उर्फ भानु प्रताप और बांग्लादेशी नागरिक नूरुल इस्लाम, मेहंदी हसन समीम, मोहम्मद हसनुल कोबीर, मोहम्मद आजाद हुसैन के नाम शामिल हैं। एसआईटी ने 12 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट पेश कर दी है। केस के अनुसंधान में एसआईटी ने मानव अंग प्रत्यारोपण एक्ट के तहत आरोप प्रमाणित माने हैं। वहीं एसआईटी ने मुकदमे में नामजद फरार आरोपी मुर्तजा अंसारी, आकाश प्रशांत यादव, सुलेमान खान, राजकमल, मेहंदी हसन, ललित और फोर्टिस अस्पताल के डॉक्टर राजेश और ज्योति बंसल, कुशाग्र गोयल, रीनू विज, माला एरन सहित अन्य डॉक्टर्स और कर्मचारियों के खिलाफ जांच को लंबित रखने की बात कही है। अप्रैल माह में एसीबी ने एक रिवर्स ट्रैप करते हुए इस खेल का उजागर किया था, जिसके बाद जयपुर कमिश्नरेट के जवाहर साइकिल थाने में 2 मुकदमे दर्ज किए गए, जिसमें एसआईटी की ओर से 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और वहीं 11 आरोपी ऐसे जिनको अभी तक फरार माना गया है। आपको बता दें कि एसीबी ने 1 अप्रैल को ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए एनओसी जारी करने के फर्जीवाड़े रिश्वत के खेल को उजागर करते हुए गौरव सिंह, विनोद सिंह और अनिल जोशी को 70,000 रुपए की रिश्वत लेते ट्रैप किया था। वहीं हरियाणा में भी ऐसा ही गैंग पकड़ा गया, जो कि जयपुर में निजी अस्पतालों के डॉक्टर और कर्मचारियों से मिलकर ऑर्गन ट्रांसप्लांट में काला कारोबार कर रहा था। तब जयपुर में जवाहर सर्किल थाना पुलिस ने भी 2 केस दर्ज किए, जिनमें जांच के लिए 8 सदस्यीय एसआईटी गठित की गई थी। फर्जी एनओसी से ऑर्गन ट्रांसप्लांट के मामले में अब तक 13 आरोपियों को जयपुर में एसआईटी गिरफ्तार कर चुकी है। इनमें फर्जी एनओसी बनाने वाले रिसीवर और डोनर को लाने वाले दलाल भी शामिल हैं। गिरफ्तार आरोपियों में एसएमएस अस्पताल का सहायक प्रशासनिक अधिकारी गौरव सिंह, फोर्टिस अस्पताल का विनोद सिंह, गिरिराज शर्मा, भानु लववंशी, ईएचसीसी अस्पताल का अनिल जोशी, बांग्लादेशी नागरिक नूरुल इस्लाम, मेहंदी हसन शमीम, मोहम्मद एहसानुल, मोहम्मद आजाद हुसैन, सुमन जाना और सुखमय नंदी शामिल हैं। इसके अलावा डॉक्टर संदीप गुप्ता और डॉक्टर जितेंद्र गोस्वामी भी शामिल हैं। जयपुर से विष्णु शर्मा की रिपोर्ट। और अब बात सीधे बड़ी खबर की, जहां पर कांवड़ यात्रा मार्ग पर नेम प्लेट लगाने के फैसले से ये जुड़ा हुआ है। आज इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। याचिका में सीधे सुप्रीम कोर्ट से उत्तर प्रदेश सरकार के आदेश को रद्द करने की मांग की गई है और उसके साथ ही इस याचिका में उत्तराखंड सरकार को भी पक्षकार बनाया गया है। इस मामले में टीएमसी यानी तृणमूल कांग्रेस एमपी महुआ मोइत्रा समेत कई लोगों ने इसको याचिका डाली है और उत्तर प्रदेश ने
कावड़ यात्रा मार्ग की दुकानों पर मालिकों के नाम और मोबाइल नंबर लिखे जाने का आदेश दिया था। बाद में उत्तराखंड में इस तरह का भी आदेश जारी कर दिया। उसके बाद सियासत तो हुई ही, लेकिन इस नेम प्लेट को लेकर भी भारी बवाल मचा और सीधे तमाम लोगों ने याचिकाकर्ता ने याचिका डाली है कि इस मांग को रद्द कर दिया जाए। ये जो निर्देश, ये जो फरमान उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से और बाद में उत्तराखंड की सरकार की तरफ से जो जारी किया गया है, आज उसी पर सुनवाई होनी है। देखना है कि आदेश में सुप्रीम कोर्ट के क्या कुछ आता है। और आज संसद के मॉनसून सत्र की शुरुआत होगी जो 12 अगस्त तक चलेगी। आज दोपहर 1 बजे लोकसभा और 2 बजे राज्यसभा में देश का आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया जाएगा। उसके बाद कल केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगे और उसके साथ ही आर्थिक सर्वेक्षण पेश करने के बाद सरकार इस मुद्दे पर 2:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेगी। तो आर्थिक सर्वेक्षण पेश होगा, आप देख सकते हैं लोकसभा और राज्यसभा के समय भी आपको बता दिए। आज से 12 अगस्त तक मॉनसून सत्र होगा। कल सर्वदलीय बैठक हुई थी और इसको लेकर आज 2:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जाएगी। कल संपूर्ण बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा पेश किया जाएगा। और के ख्वास इलाके में आतंकियों ने सेना के कैंप पर फिर से हमला कर दिया है। आतंकियों ने सेना के कैंप पर ताबड़तोड़ फायरिंग की है। गोलियों की तड़तड़ाहट सुनकर गांव वाले भी घरों से बाहर निकल आए। आतंकी हमले में सेना के कुछ जवान घायल होने की खबर सामने आई है। सेना और पुलिस ने इलाके को चारों तरफ से घेर लिया है। एक बार फिर से जम्मू कश्मीर के राजौरी से सेना के ऊपर आतंकियों की हमले की यह खबर बेहद ही चिंताजनक इसलिए होती जा रही है क्योंकि लगातार जम्मू कश्मीर में आप देख रहे हैं, चाहे वो राजौरी हो, चाहे वो डोडा हो, हर जगह पर आतंकियों के द्वारा किस तरह से ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं, किस तरह से घुसपैठ की खबरें आ रही हैं। हालांकि इसको लेकर हाई लेवल मीटिंग भी कल की गई है क्योंकि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम 3000 बटालियन लगाए गए हैं, लेकिन उसके बाद है कि आतंकी अपने मंसूबे में धीरे धीरे कामयाब होते नजर आ रहे हैं, लेकिन ये ज्यादा दिनों तक नहीं चलेगा। फिलहाल ये खबर आपको फिर से बता रहे हैं जहां जम्मू कश्मीर से ये खबर है और जम्मू कश्मीर से राजौरी के ख्वास इलाके की हम बात कर रहे हैं जहां पर आतंकियों ने सेना के कैंप पर हमला किया है। आतंकियों ने सेना के कैंप पर ताबड़तोड़ फायरिंग की है। गोलियों की तड़तड़ाहट से अगल बगल के जो लोग थे वो भी बाहर निकले। इस सेना के हमले पर कुछ जवान घायल बताए जा रहे हैं। सेना और पुलिस ने इलाके को चारों तरफ से अब घेर लिया है। अब सीधे बात नीट यूजी मामले की कर लेते हैं जहां सुप्रीम कोर्ट में आज अहम सुनवाई होगा। पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने एनडीए को निर्देश दिया था कि शनिवार दोपहर 12 बजे तक हायर एग्जाम सेंटर का नतीजा अलग से जारी करे और इस नतीजे के प्रकाशित होने के बाद कई चौंकाने वाली जानकारी भी सामने आई। गुरुवार को कोर्ट ने एनटीए को निर्देश देते हुए कहा था कि सभी नतीजे प्रकाशित किए जाएं सेंटर वाइज और स्टेट वाइज, लेकिन उनमें बच्चों की पहचान उजागर ना हो। मुख्य न्यायाधीश ने यह भी कहा था कि पटना में परीक्षा के पहले पेपर ब्रीच हुआ और इसमें कोई शंका नहीं है। हम ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि उन्हीं सेंटर तक था या ज्यादा फैला था। इस कारण नंबरों और नतीजों के पैटर्न्स को देखने समझने के लिए कोर्ट ने यह निर्देश दिया था। एनटीए ने शनिवार को दोपहर 12 बजे तक सेंटर वाइज और स्टेट वाइज फिर से जो रिजल्ट है नीट के, जो 5 मई को जिसका एग्जाम हुआ था नीट यूजी का, उसके फिर से रिजल्ट अपलोड कर दिए। रिजल्ट अपलोड के बाद कई अहम खुलासे हुए और आज क्योंकि 24 जुलाई है और आज फिर से कोर्ट इस पर सुनवाई करेगा और काउंसलिंग स्थगित हो या ना हो इस पर आज अहम सुनवाई होगी। और यह भी कि परीक्षा निरस्त होगी या नहीं, इस पर 23 से ज्यादा लाख जो स्टूडेंट्स, उनकी निगाहें टिकी हुई हैं। अब सीधे बात मध्य प्रदेश की कर लेते हैं। मध्य प्रदेश के रीवा जिले में हैरान करने वाला मामला सामने आया है। वहां निजी जमीन पर सड़क बनाने का विरोध कर रही 2 महिलाओं को जमीन में जिंदा गाड़ने की कोशिश की गई। आपको पहली तस्वीर हम दिखा रहे हैं उस जमीन की, उस मिट्टी की जहां पर खुदाई किया गया और महिला को जमीन में गाड़ने की कोशिश, आधी शरीर जो महिला का दिखाई पड़ रहा है। तमाम लोग महिला को पकड़े हुए हैं और वो गुहार लगा रही है, पैर पकड़ी हुई है कि उसे मन्नतें की जा रही है कि उसको छोड़ दिया जाए, लेकिन बेरहम लोग आप देख सकते हैं जिसके अंदर मानवता मर चुकी है। शर्मसार कर देने वाली ये खबर और इनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने वाली यह खबर बेहद इंपॉर्टेंट है। 2 महिलाओं को जमीन में जिंदा गाड़ने की कोशिश की गई, दोनों पर ट्रक भर रेत डाली गई। इस घटना में एक महिला कमर तो दूसरी गले तक रेत में दब गई। इसके बाद तो वहां चीख पुकार मच गई। महिलाओं के बीच उन्हें बचाने के लिए रोते बिलखते रहे, लेकिन जिन लोगों ने महिलाओं पर रेत डाली उन्हें जरा भी तरस नहीं आया। जिसके बाद आसपास मौजूद लोगों ने महिलाओं को बड़ी मुश्किल से बाहर निकाला और इलाज के बाद उनकी हालत फिलहाल ठीक बताई जा रही। इसी के साथ रीवा में हुई इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल भी हो रहा है।
मामला है, वहाँ रोड बन रही थी, मुरम वगैरह डल रही थी। तो अभी तक की सूचना ये प्राप्त हुई है कि वहाँ विरोध कर रहे थी दो महिलाएं, तो उसने जो है मुरम का पलटी किया, तो जिसमें वो दबी, तो इसके साक्ष्यों का विश्लेषण किया जा रहा है, अपराध पंजीबद्ध करके विवेचना की जा रही है, आए हुए साक्ष्यों के आधार पर इसमें कार्रवाई की जाएगी। तो निजी जमीन पर रोड बनाने का लेकर ये पूरा मामला था, जहां दो महिलाओं को जिंदा जमीन में गाड़ने की कोशिश की गई। अब सीधे, क्योंकि सावन का महीना शुरू हो चुका है, 72 साल के बाद ऐसा शुभ संयोग बना है कि सावन का महीना सोमवार से ही शुरू हो रहा है और सावन का महीना सोमवार पर ही खत्म होगा। मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़, श्रद्धा का सैलाब उमड़ पड़ा है। अलग अलग जगह से, देश के अलग अलग राज्यों से अलग अलग तस्वीरें बेहद ही मनमोहक इस समय आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। सावन का पहला सोमवार आज से शुरू है। शिव मंदिरों में भक्तों का तांता लगा है। लोगों की भीड़ देख सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। सीधे तस्वीरें आपको मध्य प्रदेश के उज्जैन की महाकालेश्वर की दिखा रहे हैं, जिसकी मान्यता है और देश में 12 ज्योतिर्लिंग है जिसमें से इसकी विशेष महत्वता मानी जाती है। काशी विश्वनाथ, वाराणसी, यहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरह पहले दुग्धाभिषेक, पहले शास श्रृंगार किया जाता है, भक्तों की भारी भीड़ वहां पर भी लगी हुई है। झारखंड के देवघर की भी इस तरह कुछ तस्वीरें आपको शिवालय की नजर आ रही हैं। कोटा चले जाइए, शिवपुरी धाम, बेहद ही प्राचीन पुराना मंदिर, और सुबह भी हमारे संवाददाता यहां से जुड़े थे जो बता रहे थे कि वहां पर भारी भीड़ भी लगी हुई थी। लोगों की अलग अलग अपनी श्रद्धा होती है और आज सुबह से 4 बजे से ब्रह्म मुहूर्त से ही मंदिरों का कपाट खुल गए और जहां पर भक्तों की भीड़ आनी शुरू हो गई। झारखंड महादेव मंदिर जयपुर से ये भी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। श्रीगंगानगर का प्राचीन ये शिव मंदिर बताया जा रहा है, इसकी अपनी अलग पौराणिक कथाएं हैं और सावन महीने की तो अलग है कि जब शिव मंथन हुआ था जिसमें जहर निकला था, विष हुआ था, उसमें विष धारण किया था। सावन महीने भी शिव भगवान अपने ससुराल पृथ्वी पे गए थे और इस समय जब जो कृष्ण भगवान विष्णु जी सो रहे होते हैं, निद्रा अवस्था में होते हैं, तो वो पूरे सृष्टि का संचालन भी करते हैं, इसलिए सावन का महीना इतना महत्वपूर्ण होता है। और इधर गुजरात में आसमानी आफत लोगों के लिए मुसीबत का सबब बन गई है। राजकोट हो या फिर अमरेली, नवसारी हो या फिर द्वारका या फिर सूरत, सभी जगह करीब करीब एक सा हाल है। आपको ये तस्वीरें भी दिखाएंगे। तो देश के कई हिस्से इस वक्त मूसलाधार बारिश की मार झेल रहे हैं, चाहे वो हम गुजरात की फिलहाल ये 5 तस्वीरें दिखा रहे हैं, 5 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पानी का प्रहार देखा जा रहा है। सड़कें लबालब पानी से भरी हुई हैं। राजकोट की तस्वीरें, कुछ लोग सड़क पार करते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी तस्वीर द्वारका के गुजरात की है, जहां आप देख सकते हैं कि घर हो, ये पूरा रोड, ये रोड है जहां पर गाड़ी फंसी हुई है, अगल बगल घर है, ऑटो चल रही है, वहां पर वो पूरा रोड है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि मानो तालाब हो वो। अमरेली के भी हालात कुछ ऐसे हैं, गलियों के बीच की जो सड़कें हैं, बच्चे भले इधर उधर हो लेकिन पानी का सैलाब आप देख सकते हैं किस तरह वहां उमड़ा है। गुजरात के सूरत की तस्वीरें, कमर तक पानी, सब्जी के ठेले वो उसके पहिए पूरे पानी में डूबे हुए। उसके बाद नवसारी की भी तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह रोड पर पानी है, दिनचर्या वहां पर लोगों की किस तरह से आपको नजर आ रही है कि अस्त व्यस्त। अब आइए, अब आपको पहाड़ से लेकर, जमीन से लेकर पहाड़ तक की तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये देश के अलग अलग राज्यों की तस्वीरें हैं, मध्य प्रदेश से लेकर उत्तराखंड, गुजरात से लेकर महाराष्ट्र, भारी बारिश से जलभराव होने की समस्या से सभी को दो चार होना पड़ रहा है। आप ये देखिए, उत्तराखंड की नवी मुंबई के बेलापुर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब झरने पर घूमने गए करीब 50 लोग वहां फंस गए। बारिश के मौसम में सभी लोग झरने पर पिकनिक मनाने पहुंचे थे लेकिन उन्हें ऐसा करना भारी पड़ा। उसके बाद आपको यहां पर हम उत्तराखंड के नैनीताल की तस्वीर दिखा रहे हैं, नर्मदापुरम के मध्य प्रदेश की तस्वीरें आप देखिए, पूरी बोलेरो गाड़ी आधी डूबी है। मध्य प्रदेश के सिवनी की तस्वीरें आप दिखा रहे हैं, एनीकट के बाहर, या फिर ये देखिए कि वहां पर पानी का स्रोत होता होगा, झरना टाइप लग रहा है। वहीं मुंबई के चुन्ना भट्टी की तस्वीर देखिए कि झमाझम बारिश, वैसे भी मुंबई बारिश की वजह से मशहूर है लेकिन इस बार बारिश ने तबाही मचाई है। नवी मुंबई की तस्वीर देख सकते हैं, एक दूसरे का सहारा लेते हुए भीषण पानी के सैलाब में क्रॉस करने की कोशिश, लेकिन संभालने की भी कोशिश, क्योंकि जो जल का प्रवाह है वो इतना ज्यादा तेज है कि वहां पर हल्की सी भी अगर गलती होती है
तो जान पर बनाएगी। वहीं महाराष्ट्र के पालघर की भी तस्वीरें देखिए, एक शख्स जो छाता लेकर जा रहा है वो किस तरह, भारी बारिश भी हो रही है और सड़कों पर उसका परिणाम भी दिख रहा है। और ये भी खबर नवी मुंबई के ही है। नवी मुंबई के बेलापुर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब झरने पर घूमने गए करीब 50 लोग वहां फंस गए। बारिश के मौसम में सभी लोग झरने पर पिकनिक मनाने पहुंचे थे। आपको सीधे तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। ये पिकनिक मनाने के लिए लोग पहुंचे थे, तेज बहाव हुआ, पानी में फंस गए, लेकिन उन्हें ऐसा करना भारी पड़ गया क्योंकि नदी का जल स्तर बढ़ने से वो सभी लोग वहां फंस गए। इसकी सूचना मिलते ही वहां बचाव दल फौरन पहुंच गया और लोगों को सैलाब के नीचे से निकालने का काम शुरू कर दिया। मानव श्रृंखला बनाकर एक एक कर रस्सी के सहारे लोगों को नदी पार करवाई गई है। आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, इसीलिए कम से कम जब तक बारिश है तब तक इस तरह कोई आप काम ना करें जिससे आपकी ही जान मुसीबत में बन जाए और दूसरों को भी आप परेशानी में डाल दें। तेज बहाव हुआ अचानक से, तो ये कोई नई तस्वीर नहीं है, महाराष्ट्र से ऐसे तमाम तस्वीरें आती है। एक पूरी परिवार इस तरह गया हुआ था और झरने के बीच में वो पूरा परिवार फंस गया था। हालांकि उस परिवार नहीं बच पाए, एक दूसरे का हाथ थामे थे लेकिन फिर भी पूरा परिवार बह गया था। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी था, 3 लोगों की मौत की खबर आ गई थी, मासूम बच्चे भी थे उसमें। एक बार फिर इसी तरह गलती एक परिवार के द्वारा की गई और उसके बाद आप देखिए कि अपनी जान उन्होंने आफत में डाली लेकिन दूसरों को भी मुसीबत झेलनी पड़ी। और अब गुजरात के राजकोट में भारी बारिश से नदियां उफान पर हैं, कई जगह पुल और सड़कें डूब गई हैं। सैलाब में पुल के डूब जाने से कई गांवों का संपर्क बाकी हिस्सों से टूट गया है जिसकी वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन लगातार लोगों से उफनती नदियों से दूरी बनाए रखने की अपील कर रहा है। यह आपको गुजरात के राजकोट की तस्वीर दिखा रहा है, भारी बारिश से किस तरह से हाहाकार मचा हुआ है। पुल पर सैलाब की ये नजारा, मानो कि सब कुछ बहा ले जाने के लिए ये नदी, ये पानी बेकरार हो। और महाराष्ट्र गुजरात के बाद आपको ये हाल मध्य प्रदेश में भी नजर आएगा। मध्य प्रदेश के सिवनी में तो वैन गंगा नदी के रौद्र रूप में रपटा पुल ने जल समाधि ही ले ली। सैलाब में पुल डूबने की वजह से वहां 10 से ज्यादा गांवों का संपर्क बाकी हिस्सों से टूट गया जिसकी वजह से लोगों के सामने बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई है। तो ये जो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं वो मध्य प्रदेश के सिवनी की हैं। यहाँ पर वैन गंगा नदी के रौद्र रूप में रपटा जो पुल है उन्होंने जल समाधि ले ली, यानी कि पूरा पुल उसमें देखिए कि पानी में समा गया और इस वजह से 10 से ज्यादा गांवों का संपर्क बाकी हिस्सों से टूट गया। और अब सीधे बारिश के जल भराव और ह्यूमिडिटी के कारण राजधानी सहित जिलों में डेंगू और मलेरिया के मामले बढ़े हैं। ऐसे में बरसात के पानी से मच्छर नहीं पनपे और इसके लिए राजधानी जयपुर हेरिटेज नगर निगम की ओर से एंटी लार्वा स्प्रे और फॉगिंग का काम करवाया जा रहा है, लेकिन चार दीवारी में ज्यादातर जगह अभियान के तहत टीम नहीं पहुंच पाई है और जिससे रामगंज समेत कई इलाकों में डेंगू मलेरिया के मरीज बढ़ रहे हैं। चार दीवारी में बरसात से पहले गंदी गलियों की सफाई का काम किया जाना था लेकिन शहर की गलियों गंदगी का अंबार है जहां से मच्छर पनप रहे हैं और चार दीवारी में मौसमी बीमारियों में इजाफा हो रहा है। हमारी टीम ने मौके पर पहुंचकर स्थानीय पार्षद से बात की और आम लोगों से बात कर जाना कि वहां फॉगिंग को लेकर क्या काम किया गया है। के अंदर ये जो गलियां हैं इनके अंदर ना तो वक्त पर फॉगिंग हुई है ना ही यहाँ पर कोई साफ सफाई के इंतजाम किए गए हैं। यहाँ पर स्थानीय लोग काफ़ी परेशान हैं, इनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। आप यहाँ स्थानीय पार्षद भी हैं, क्या समस्या है, क्यों ये काम नहीं हो पा रहा? देखिए, नगर निगम में जब से सरकार चेंज हुई है एक तरीके से पूरा सिस्टम चेंज हो गया है और नियमित रूप से गंदी गलियों की सफाई हुआ करती थी। पिछली गवर्नमेंट में एक 25 करोड़ रुपए का टेंडर भी हुआ था जो अभी बिल्कुल आप समझ लीजिए बंद हो चुका है और उसमें कोई काम प्रोग्रेस में नहीं है। ऐसे ही गंदे नालों का हाल है कि नालों की सफाई नियमित रूप से बरसात से पहले हो जाया करती थी। अभी आप देख रहे हैं नालों का हाल, बरसात आने से कुछ ही बरसात आई है और अभी नाले पटे पड़े हैं। हेरिटेज नगर निगम के जिम्मेदार लोगों को देखना कि एक तरफ अभियान चल रहा है उनका, दूसरी तरफ जो महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं जहां पर ज़्यादा गंदगी होती है, नाले होते हैं, बरसात में पानी का भराव होता है, उससे जो मच्छर होते हैं वो काफ़ी नुकसान पहुंचाते हैं लोगों की सेहत के ऊपर भी और लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इस इलाके में जो मच्छर जनित बीमारियाँ हैं वो काफ़ी बढ़ गई हैं। उम्मीद की जानी चाहिए जिम्मेदार इस तरफ नज़र डालेंगे और कुछ काम किया जाएगा। अरबाज़ अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से।
और इधर चुरू डीटीओ के उप निरीक्षक रोविंद सिंह और विधायक हरलाल सहाड़ के विवाद का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल होने के बाद अब एक बार फिर उप निरीक्षक रोविंद सिंह का वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में अपनी मूछों पर ताव देते हुए सिंघम स्टाइल में रोविंद सिंह डायलॉग डिलीवरी कर रहे हैं, जिस पर पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर ने कहा कि अपने कंडक्ट से परे जाकर इस तरह की कोई बात कहेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। इसी पर देखिए, ये वर्दी मुझे देश में नहीं मिली, ना ही किसी मंत्री और संतरी की सिफारिश से हासिल करी, कंपटीशन फाइट करके सुप्रीम कोर्ट से हासिल किया है। अब भी किसी को अहम या बहम हो कि रोविंद सिंह ड्यूटी पे होगा, हम बिना फिटनेस और ओवरलोड के गाड़ी निकालेंगे तो नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं उनमें से नहीं जो पतली गली से गुजर जाऊं, मैं उनमें से हूं दरवाजा खिड़कियां तोड़कर अंदर आऊं। जब मैं मरूं तो मेरा हाथ मेरी मूछों को ताव दे रहा हो और मेरे चेहरे पर यही स्माइल हो जो आज है। परिवहन उप निरीक्षक रोविंद सिंह का ये सिंघम स्टाइल सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोर रहा है। रोविंद सिंह अपनी रोबिन हुड वाली स्टाइल में मूछों को ताव दे रहे हैं और कह रहे हैं उन्हें ये वर्दी दहेज में नहीं मिली। एक बार फिर सुनिए। ये वर्दी मुझे दहेज में नहीं मिली, ना ही किसी मंत्री और संतरी की सिफारिश से हासिल करी, कंपटीशन फाइट करके सुप्रीम कोर्ट से हासिल किया है। अब भी किसी को अहम या बहम हो कि रोविंद सिंह ड्यूटी पे होगा, हम बिना फिटनेस और ओवरलोड के गाड़ी निकालेंगे तो नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं उनमें से नहीं जो पतली गली से गुजर जाऊं, मैं उनमें से हूं दरवाजा खिड़कियां तोड़कर अंदर आऊं। जब मैं मरूं तो मेरा हाथ मेरी मूछों को ताव दे रहा हो और मेरे चेहरे पर यही स्माइल हो जो आज है। दरअसल वायरल वीडियो में अपनी मूछों पर ताव देते हुए सिंघम स्टाइल में रोविंद सिंह के डायलॉग डिलीवरी पर पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ का कहना है कि कोई भी सिविल सर्वेंट सोशल मीडिया पर अपने कंडक्ट से परे जाकर कोई बात कहेगा तो इसके खिलाफ कार्रवाई होगी। कोई भी सिविल सर्वेंट अगर सोशल मीडिया पर जाकर अपने कंडक्ट से परे होकर कोई बात कहेगा तो निश्चित तौर पर सिविल सर्वेंट के कंडक्ट रूल पड़े उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। और इसी के साथ ही मारो राजस्थान में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। और आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर वन न्यूज चैनल और आगे देखिए हमारा खास कार्यक्रम गोरबंद।